तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की वीडियो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आज की वीडियो में जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ, सभी बातें दिल से मैं बोलूँगा और जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ताकि और किसी भी यूथ को ये दिक्कत ना हो। और मैं ये सब बातें शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, आज के जितने भी यूथ हैं उन लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि इस समय भाई आपको पता ही है कितना ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मैं भी एक समय ऐसा आ गया था कि मैं भी सुसाइड के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ को जीना अब मुश्किल हो गया है, अब तो यहीं पे भाई हमारा द एंड हो जाना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे लाइफ में क्या करेंगे, कहाँ तक जाना है, फ्यूचर में हमारा क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम हो रही थी गलत वीडियोज़ देखने के कारण, और मैं ये सब समझ नहीं पा रहा था। और एक बड़ा कारण है मास्टरबेशन। इन दोनों चीज़ों के कारण इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया था कि सुसाइड के बारे में सोच रहा था। एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा था एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि लोग लाइफ आखिर जीते कैसे हैं, आखिर ये लाइफ है क्या, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में क्यों आती हैं। और एक लड़का, 14 साल का लड़का जो कि अभी सब कुछ सीख रहा है, उसके साथ अगर ऐसा होगा तो वो तो भाई एकदम डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। तो भाई मैं हमेशा उदास रहता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो करूँ क्या। मैं आपको ये सब प्रॉब्लम्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सकें, क्योंकि इस समय में सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, यह सब बातें मैं बताने वाला हूँ। और मैंने जो जो बताया वो सब 100% सभी के साथ होता है। तो भाई इतना सब कुछ होने के बाद मुझे पता चला नोफैप और ब्रह्मचर्य के बारे में। तब मैं जब इन दोनों चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, नोफैप एंड ब्रह्मचर्य के बारे में, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी, तब मुझे पता चला आखिर मैं गलती कर कहाँ रहा था। उसके बाद मैंने कसम खा लिया कि अब मास्टरबेशन करना ही नहीं है, ना ही गलत वीडियोज़ देखना है। तभी से भाई मेरी लाइफ में चेंजिंग आनी शुरू हो गई और मेरा जो डिप्रेशन में गया था वो भी सब कुछ सही होने लगा। उसके बाद मुझे पता चला मेडिटेशन के बारे में और मैं मेडिटेशन भी करने लगा, एक्सरसाइज भी करने लगा। मैं तो भाई सही हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मेरे जैसे बहुत सारे लड़के होंगे, हज़ारों लड़के होंगे, लाखों लड़के होंगे, जिनको ब्रह्मचर्य नोफैप के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, वो लोग इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इस समय सभी के पास मोबाइल है और मोबाइल में लोग ज़्यादा गलत यूज कर रहे हैं। तो अगर वो इन सब प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे तो इन सब प्रॉब्लम में से वो बाहर कैसे निकलेंगे। तब मैंने डिसाइड किया यूट्यूब चैनल बनाने का और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने का, नोफैप से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने का। तब मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं यूट्यूब पर इन्हीं सब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा। और कोई भी लड़का अगर ऐसा है जो डिप्रेशन में जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहा है, गलत वीडियोज़ देख रहा है, उसको इन सब चीज़ों से बाहर निकालूंगा। और जो लाइफ का असली मज़ा है, व्हाट इज़ लाइफ, आखिर लाइफ है क्या, लाइफ सिर्फ इतने ही नहीं है, उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि लाइफ का मज़ा इन सब चीज़ों में नहीं है, ब्रह्मचर्य करने में है। तो जब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे मेरा सिचुएशन याद आता है कि कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था और मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला, तब से मेरा लाइफ चेंज हुआ। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, लड़के हैं, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है और कंटिन्यू ये लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं, गलत वीडियोस देख रहे हैं, तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वीक हो जा रहा है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर वीडियो को शेयर कर देते हैं तो किसी का लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगा। मैंने जो कुछ भी बताया आपको, मैं ये चाहता हूँ भाई कि जितने भी यूथ हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के भी साथ ऐसा ना हो जैसा कि मेरे साथ हुआ। कोई भी डिप्रेशन में ना जाए, कोई भी मास्टरबेशन ना करे, कोई भी गलत वीडियोज़ ना देखे और लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें, अच्छे से स्टडी करें, अपने करियर के ऊपर फोकस करें, मेरा बस यही गोल है। तो भाई मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी अभी स्टडी करता हूँ, तो मैं बस यही चाहता हूँ, मैंने जो आपको बोला कि यूथ को भाई सही रास्ता दिखाना है, वो गलत काम ना करें, तो इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा यूथ तक पहुँचेगा, वो लोग वीडियो देखेंगे तो वो लोग भी फॉलो करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और लाइफ में आप अगर खुश रहना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। धन्यवाद।